ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर बिग माफी के भाई ने मेरे को अपनी अरीना वर्कशॉप दी थी और साथ के साथ एक हेलीकॉप्टर दिया था लॉस सैंटोस वापस आने के लिए। अब फिलहाल यार जब मैं वहां से वापसी आ रहा था ना एकदम शांति से, तो मुझे ना बीच रास्ते में एक जगह दिखी जहां पर ना काफी सारी लाइट जल रही थी और उधर से जब मैं जा रहा था ना तो मिलिट्री वाले बंदों ने बेमतलब मारना शुरू कर दिया। अब देखो जब उन्होंने मेरे को मारा ना तो मेरा जो हेलीकॉप्टर था उसके अंदर थी RPG और मैंने ना उनके सीधा दो बंदे डाउन कर दिए बहुत बुरी तरह। लेकिन यार दिक्कत की बात यह है कि मिलिट्री के अंदर आपको पता है नया कर्नल आया हुआ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसको ना साफ साफ माइकल के ऊपर शक हो गया क्योंकि यार उसको ना सब कुछ मालूम है कि भैया माइकल ही सबसे बड़ा गैंगस्टर है यहाँ का और जितने भी क्राइम है ना सबसे बड़े बड़े वो माइकल नहीं करे हैं। और गाइस यार वो ना अपनी पूरी की पूरी फोर्स लेकर पहुंच गया सीधा माइकल के घर पर धमकी देने के लिए, क्योंकि यार आप लोग को तो पता ही है इस टाइम पर वो माइकल को अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ना माइकल के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। सारे के सारे प्रूफ हम लोग ऑलरेडी इरेज कर चुके हैं मिलिट्री बेस के सर्वर रूम में जाकर। अभी ना गाइस यार जल्दी से मैं यहां से बाहर निकलता हूं और अभी मैं जाने वाला हूं सीधा अपने शोरूम में, क्योंकि गाइस यार एक ना बहुत ही बढ़िया कार की डिलीवरी आई है। मतलब वो जो कार है ना वो बेनी ने बाहर से इंपोर्ट करवा लिया है, अब बस ना उसे मेरे को डिलीवर कर आना है और शायद से लैम्बोर्गिनी का ही कोई मॉडल है। अभी जल्दी से चलकर देखते हैं शोरूम में। और इस टाइम यार घर पर भी कोई ढंग की कार नहीं खड़ी है तो भी जल्दी से मैं अपनी लिमो ही लेकर जाने वाला हूं, बाकी तो यार यहां पर एकदम तमीज से चलानी पड़ेगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी लिमोजिन लेकर निकल लेता हूं सीधा अपने शोरूम के लिए। और गाइस यार आप में से ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं मिलिट्री कर्नल को मार क्यों नहीं देता हूं। तो यार देखो अगर हम लोग मिलिट्री कर्नल को मार देते ना तो फिर उसके बाद माइकल की फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा है मिलिट्री और पुलिस वालों से, वो लोग उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा ही होगा कि उनकी फोटोज भी खींचकर ले गए हैं और पूरे के पूरे घर में एक एक चीज की वो लोग फोटो खींचकर ले गए हैं। यानी कि यार अगर अभी हम कुछ भी हरकत करते हैं ना तो उनको सबसे पहले हमारे ऊपर ही शक जाने वाला है, तो यार इसलिए ना भी थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा। और इस टाइम ना क्राइम वगैरह कम करना है तो अभी मैं थोड़ा बहुत बिजनेस पे फोकस करने वाला हूं। तो गाइस यार अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने शोरूम में और अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूं कि अपना जो शोरूम है ना अभी फिलहाल मतलब अंडरग्राउंड है तो किसी ढंग की जगह पर चलकर अपना शोरूम लेते हैं काफी बड़ा सा, क्योंकि पहले तो यार गैंग्स वगैरह से खतरा था कि गाड़ी ना चोरी करके ले जाए जैसे उन्होंने पहले हमारा इतना बड़ा शोरूम पूरा का पूरा जला दिया था, तो वो चीज अभी नहीं होनी चाहिए। तो अभी ना वैसे सारी गैंग्स हमने मार दिया है और जो बाकी गैंग्स है वो हमसे डरती है, तो अभी ना किसी बड़ी जगह पर जाकर मैं अपना शोरूम लेने वाला हूं। इस वाले शोरूम को भी संभाल के रखेंगे, मतलब ये वाला शोरूम बेचेंगे नहीं, तो भी जल्दी से फिलहाल ये वाली गाड़ी तो अंदर नहीं जाएगी, इस वाली गाड़ी को मेरे को यहीं पर साइड खड़ा करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल थोड़ी टाइम के लिए मैं इसको यहीं पर पार्क कर देता हूं किसी ढंग की जगह पर जहां पर कोई इसे तोड़े फोड़े ना। और अभी जल्दी चलते सीधा बैनी के पास, उससे गाड़ी लेते हैं और डिलीवर करके आते हैं उस बंदे को। तो चलो भाई यहाँ पर फिलहाल मैंने अपनी लिमोजिन जो है पार्क कर दी है और तीन गाड़ियों की पार्किंग लिए मैंने अपनी एक गाड़ी पार्क करने के लिए। यार चलो गए नहीं, अभी जल्दी चलते हैं सीधा नीचे। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम के अंदर। और गाइस यार अभी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं बैनी के पास चलता हूँ और इससे बात करते हैं कि आखिरकार कौन सी गाड़ी है और किसको बेच कर आनी है और कहाँ पर बेच कर आनी है। अभी फिलहाल यहाँ पर बैनी जो है ना लग रहा है कबाड़ गाड़ियाँ खरीद कर लाया है और इसमें से जो जो काम का पार्ट होगा ना उससे निकालेगा और फिर उससे नई गाड़ियाँ बनाएगा। तो अभी जल्दी से मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात हो चुकी है और गाइस यार बैनी ये कह रहा है कि वो जो तीसरे नंबर वाली गाड़ी खड़ी है ना रेड कलर की वही कार हमें डिलीवर कर करानी है और साथ में $7,00,000 भी लेकर आने हैं। अब आप लोग को ये जो गाड़ी है ना देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही होगी, तो आप लोग को मैं बता दूं ये है लैम्बोर्गिनी उरुस और ये इस टाइम अपने वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट SUV कार है। मतलब यार इसकी लुक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और फास्टेस्ट से मेरा मतलब कि 3 सेकंड के अंदर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है, इतनी ज्यादा फास्टेस्ट है। अभी फिलहाल यहाँ पर बैनी ने इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी है और जिस बंदे को देख कर आनी है वहां का एड्रेस भी मुझे दे दिया है। अब यार देखो मुझे ना समझ नहीं आ रहा मुझे गाड़ी चला कर ले जानी चाहिए या फिर ट्रक में लोड कर ले जानी चाहिए, बाकी चलो कोई नहीं चला कर ले जाने वाला हूं। यार गाड़ी ना बहुत ज्यादा तगड़ी है, अभी गाड़ी को मैं पहले बाहर निकालता हूं फिर अच्छे से चेक करेंगे, अभी शोरूम के अंदर नहीं चेक करेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरस को लेकर अपने शोरूम से बाहर आ चुका हूँ और गाइस यार अभी टाइम आ चुका है इस गाड़ी को पूरा चेक करने का। बाकी यार यहाँ पर जो गाड़ी का साउंड है ना वो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई कितना ज्यादा जबरदस्त है। तो भाई जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, उस बंदे को डिलीवर कर आते हैं। और गाइस यार मेरी लैम्बोर्गिनी सैन कहाँ पर चली गई यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, वैसे मैंने अपने शोरूम में खड़ी करी थी। चलो कोई नहीं बैनी से पूछेंगे, क्या पता इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं आई है इसलिए उसने साइड करी हो। बाकी तो यार यहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी देख पा रहे हो, यहाँ पर अपनी जो लैम्बोर्गिनी उरस है उसका साउंड बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाड़ी की लुक की वो तो बहुत बढ़िया है और गाड़ी का इंटीरियर अंदर से देखते हैं, ओ भाई कितना ज्यादा तगड़ा है यहाँ पर, मतलब कि कितनी सही सही चीजें लगी और गाड़ी की जो सीट है वो भी बहुत ज्यादा मेरे को सही लग रही है। अभी ना गाइस यार फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चल लेता हूँ सीधा उस बंदे के पास जिसको ये गाड़ी मेरे को डिलीवर कर आनी है। और गाइस यार इस कार के अंदर भी बहुत सही क्रैकलिंग है, आपको मैं सुनाता हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनना।
ये वाली क्रैकलिंग भाई, ये जो चीज होती है ना यार, मजा ही आ जाता है। और ये मैक्सिमम ना हर लैम्बोर्गिनी में ही मिलती है, बाकी सुपर कार्स में भी होती है बट यार उतनी नहीं होती। लेकिन जो लैम्बोर्गिनी की जितनी भी कार्स है उन सभी कार्स की जो क्रैकलिंग है ना यार, वो बाकी कार से बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर जो गाड़ी है ना, उसके कंट्रोल्स भी बहुत ओपी है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मैं बातों में अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा आगे लेकर आ चुका हूँ। और गाइस यार अभी ना जल्दी से बिना किसी देरी के उसके घर के लिए निकल लेते हैं। और यार देखो, अभी ना फिलहाल मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यार ट्रक व्रक में लोड करा कर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका घर ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मतलब जो वाइनवुड हिल्स है ना उसके पास में है। तो अभी जल्दी से मैं नॉर्मली चला कर ले जाने वाला हूँ। बस यार थोड़ा बहुत ना संभल के चलाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठोक दूँ और बैनी को दोबारा रिपेयर करनी पड़ जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरस भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ सीधा वाइनवुड हिल्स के लिए। और गाइस यार उस बंदे का जो घर है ना वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना मैं बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी हल्की फुल्की ठुक जाए। वैसे पूरे रास्ते ना मैंने बहुत ज्यादा आराम आराम से चलाया है और गाड़ी पर ना एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया। तो बस मुझे थोड़ा सा आगे और जाना है, वैसे आगे वाले कट से राइट लेना है और उस बंदे का जो घर है आ जाएगा। बाकी तो यार जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है ना भाई, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब क्या साउंड है यार गाड़ी का, एकदम मजा ही आता है साउंड सुनने के लिए चला रहा हूं मैं इस गाड़ी को। और ये जो आप जगह देख पा रहे हो ना, इसी के अंदर मुझे जाकर अपनी गाड़ी को डिलीवर करना है। तो भी ओ भाई साहब क्या हो गया इसको, इतनी जल्दी भाग रहा है गाड़ी का साउंड सुन के। तो भाई कोई गेट तो खोल दो। नहीं भाई साहब, यहाँ पर इन लोगों ने इतना बड़ा घर ले लिया, लेकिन गेट पर एक गार्ड तो रख लेते जो कि बंदे आने जाने वालों के लिए गेट खोल देता। यहाँ पर मेरे को गेट खुद ही खोलना पड़ेगा और यहाँ पर इस चीज के मन तो कर रहा है पैसे काट लूं। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर करवाता हूँ। ये वाला गेट फिर से खुल गया। तेरी भैंस के रंग, मेरे पे इतना टाइम नहीं हटा उसे, वैसे इससे ना गाड़ी पे इतना स्क्रैच नहीं आने वाला। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ। और गाइस यार देखो, ये वो बंदा जिसको हमें गाड़ी डिलीवर करने वाला, शक्ल देखा, हाँ भाई यही वो बंदा है। तो भी जल्दी से उतर के मैं इसको गाड़ी दे देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हमें कितने पैसे भी देने वाला है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को पूरे के पूरे $7,00,000 तो दे दिए हैं, लेकिन गाइस यार ये कह रहा है कि ना गाड़ी में एक बारी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना इसने अभी गाड़ी का एक राउंड मारा है और अभी ना जल्दी से चल के मैं इससे बात करता हूँ कि गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि ना इसको गाड़ी की स्टीयरिंग अच्छी नहीं लगी, तो भी गाड़ी की स्टीयरिंग भी चेंज करवानी है। और साथ के साथ ना इसने ये जो कार है ये टूर पर जाने के लिए बाय करी है, तो अभी ना हमें कार के ऊपर एक स्टोरेज बॉक्स भी लगवाना पड़ेगा जिसके अंदर ये अपना थोड़ा बहुत सामान रखवा पाए। तो चलो यार कोई नहीं, अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को वापस बैनी के पास लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को उसके $7,00,000 जो है वापस कर दिए हैं। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ और बैनी से दोबारा मॉडिफाई करवा कर लेंगे। और गाइस यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ना गाड़ी का हमें कलर भी चेंज करवा देना चाहिए। और अगर इसके बाद इस बंदे ने नखरे दिखाए ना, तो पहली बात तो मैं इसका मुंह तोड़ूंगा और ये जो गाड़ी है ना मैं खरीद लूंगा, क्योंकि गाइस यार ये जो कार है यार बहुत ज्यादा बढ़िया है। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर इसकी स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप स्पीड कितनी पकड़ पाती है। फिलहाल इसकी टॉप स्पीड ना 300 किलोमीटर पर आवर कुछ है, बट यार यहाँ का जो ट्रैफिक है ना, अगर इतनी तेज स्पीड में चला दी ना तो भाई कन्फर्म ठुक जाएगी, इसलिए भी मैं इतनी तेज चलाने नहीं वाला, नॉर्मली चलाकर इसे लेकर चलते हैं सीधा शोरूम में। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाता सीधा अपने शोरूम के लिए। लेकिन गाइस यार अभी ना मुझे लेस्टर का मैसेज आया और लेस्टर कह रहा है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने लॉस सैंटोस वाले अड्डे पर पहुंचो। अब यार देखो कोई ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी और इस टाइम ना यार मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि यार आपको पता है न्यू मिलिट्री कर्नल का क्या सीन चल रहा है। तो यार इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के पास। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस मेन सिटी में। और गाइस यार अभी ना मेरे को सीधा जाना है मेज बैंक टावर के सामने, क्योंकि उसके सामने जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है ना उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लेस्टर ने अपना सेकंड अड्डा बनाया है। और गाइस यार वहां पर तो मतलब मुझे मालूम नहीं है कि वो कितना ज्यादा सीक्रेट है, बट इतना मेरे को पता है कि अगर लेस्टर ने बनाया ना तो वहां पर हमें खतरा होगा ही नहीं। तो भी जल्दी से सीधा वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो यार यहाँ पर ना शायद उसने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी बुला ही लिया होगा, क्योंकि ये जो बात है ना वो कह रहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार वो बिल्डिंग कहां पर चली गई, लास्ट टाइम मैंने यहीं पर तो देखी थी। और ये देखो ये आगे बिल्डिंग भाई बहुत ज्यादा ऊंची है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को इस बिल्डिंग के अंदर लेकर चलता हूं। और वैसे ना इस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट भी है उस साइड से है जो कि, तो भी जल्दी से मैं उस साइड जाने वाला हूं, लिफ्ट से बैठकर हम लोग सीधा निकलेंगे ऊपर। तो भी अपनी गाड़ी को मैं इधर ही खड़े कर देता हूं। आगे मैं क्या करता हूं कि ना पैदल निकल लेता हूं, क्योंकि अगर यहां से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जो लिफ्ट है ना गाइस वो उस साइड पर है। तो चलो गाइस यार फाइनली मैंने भागते भागते यहाँ पर लिफ्ट को ढूंढ ही लिया। यार मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ और मेरे को अब जाकर ये मिली है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से सीधा चलते हैं इसमें बैठ के ऊपर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं इस कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में बैठकर इस बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर आ गया हूँ। और गाइस यार इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना यार वो बहुत ज्यादा है, मतलब की जो मेज बैंक टावर है इस जगह की सबसे ऊंची बिल्डिंग वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है। और सामने की तरफ ना आपको यहाँ से माउंट शिलियार तक भी नजर आ रहा होगा, फिलहाल उस तरफ ना बहुत ज्यादा क्लाउड्स है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा, लेकिन यार यहाँ से जो नजारे दिखते हैं ना भाई वो बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब एक एक बंदे का घर यहां से दिख जाता है। तो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं चलता हूं सीधा नीचे फ्रैंकलिन ट्रेवर और लेस्टर से बात करने के लिए। और बाकी
मैं चेक करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे होंगे तो उनका वेट भी करना पड़ सकता है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को इसके भी नीचे वाले फ्लोर पर जाना है, हाँ इसके भी नीचे वाले फ्लोर पर जाना है और यहाँ पर इसके भी नीचे जाना है यार, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो चलो गाइस यार ये वो वाला फ्लोर है जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम मिले थे और यही अपना अड्डा। बस ना मेरे को ये चेक करना है कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग वेपन्स लाए कि नहीं लाए। फिलहाल यहाँ पर ये लोग खड़े होकर अपना बातचीत तो कर रहे हैं और देखते हैं आखिरकार क्या बात है और क्या प्लान है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस यार इस टाइम ना लेस्टर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि गाइस यार अभी ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मतलब कि यार ये जो बंदा आप देख पा रहे हो ना, इसने क्या करा, इसने मार्टिन मद्राजो के घर के नीचे हमारे लिए सीक्रेट बेस बनाया था, लेकिन गाइस यार इसने ना ये बात जाकर मिलिट्री वालों को बता दी और सारे के सारे मिलिट्री वाले ना वहां पर पहुंच गए। और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि यार वहां पर हमारा कितना सारा गोल्ड था, कितना सारा वेपन था, तो वो सारा का सारा ना मिलिट्री वालों ने जब्त कर लिया। अब पता नहीं उसको कहां पर लेकर जाने वाले, लेकिन लेस्टर कह रहा है कि ना उसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो उस तरीके से लाने के ना दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो हम लोग कुछ इस तरीके से चोरी करें कि मिलिट्री वालों को पता ही ना चले और हम लोग सारा का सारा सामान वापस ले आएं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा करें कि मिलिट्री वालों को मारें लेकिन वो लोग हमारी शक्ल ना देख पाए। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पर फिलहाल लेसन है, मैं पूरा का पूरा प्लान बता दिया कि हमें अपने गोल्ड को वापस लाने के लिए किस तरीके से काम करना है और क्या करना है सब कुछ। तो गाइस यार देखो लेसन ये कह रहा है कि भी जो अपना गोल्ड लेना है उसको वापस लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली जाकर मिलिट्री वालों को मारते हैं और गोल्ड लेकर आते हैं तो माइकल के ऊपर सबसे पहला शक जाने वाला है क्योंकि मिलिट्री कर्नल साफ साफ धमकी देकर गया है। तो अभी ना फिलहाल हम लोग इस चीज में फंसना नहीं चाहते, इसलिए इस बार ना लेसन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो कि बाकी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और किसी भी बंदे को शक नहीं जाने वाला। तो अकॉर्डिंग टू प्लान सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं बगस्ता वालों के एरिया में, फिर हम लोग उसके बाद वहां पर क्या करेंगे ना उनके दो तीन बंदों को मारेंगे ताकि हमें उनसे बग स्टार्स की ड्रेस मिल जाए और उसके बाद ना वहीं से उनकी एक वैन भी चुरा लेंगे बग स्टार्स वालों की। अब यार देखो वैन हम लोग इसलिए चुरा रहे हैं ताकि जो मिलिट्री वाले जिसके अंदर हमारा गोल्ड और जो वेपन्स जो है भरकर ले जा रहे हैं ना जब्त करने के लिए, उस वैन का हम लोग एक्सीडेंट करवा देंगे बग स्टार्स की वैन से। अब इससे क्या होगा ना मिलिट्री वालों को ये लगेगा कि जो एक्सीडेंट है बग स्टार्स वालों की वजह से हुआ है, तो वो लोग हमारे ऊपर बिल्कुल शक नहीं करेंगे। बाकी यह कि हमारा जो फेस वगैरह ना वो भी हम लोग पूरा ढक लेंगे ताकि बिल्कुल भी उनको हमारे ऊपर शक ना हो। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग बग स्टार्स के एरिया में चलते हैं अपने कपड़े चुराने के लिए, बाकी वैन चुराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई जल्दी से आ जाओ तुम लोग भी लिफ्ट के अंदर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं दोबारा से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में बैठकर आ चुका हूँ सीधा ग्राउंड फ्लोर पर और गाइस यार अभी ना मैं सीधा जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस के पास जहाँ पर मैंने उसे पार्क करा था। और गाइस यार वो जो गाड़ी है ना अभी मेरे को उसे लेकर नहीं जाना, उस गाड़ी को भी मैं देने वाला हूँ बैनी को ताकि वो उसे दोबारा से मॉडिफाई करे क्योंकि उस बंदे को देकर आनी है, उससे हमें $7,00,000 जो मिलने वाले हैं। तो पहले ये काम नहीं करेंगे, पहले बस मैं बैनी को देता हूँ ताकि वो मॉडिफाई करे और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा बग स्टार्स के पास, वहाँ पर जाकर हम लोग उनकी ड्रेस भी लेंगे और साथ में उनकी वैन भी चुराएंगे। तो यार जल्दी से आ जाओ, ये दोनों कहाँ पर रहेगा यार पता नहीं। तो भी ना फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ना सीधा उस तरफ में ही लेकर चलता हूँ और ये देखो यहाँ पर दोनों भागते भागते आ गए। तो जल्दी से गाड़ी में बैठो और अभी ना फिलहाल सबसे पहले मैं अपने शोरूम में जाऊँगा, फिर हम लोग जाएंगे बग स्टार्स के पास और भाई जल्दी बैठ जा। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है और थोड़ी बहुत ना यहाँ पर गंदी हो जाएगी गाड़ी क्योंकि जगह ऐसे कंस्ट्रक्शन एरिया है तो यहाँ पर तो गंदे होने का मतलब बनता ही है। बाकी जो गाड़ी है ना है बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को भगाते भगाते लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा अपने शोरूम में। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर एंटर करवा देता हूं और अभी ना मैं इस गाड़ी को नीचे छोड़कर नहीं आने वाला, बैनी को फोन कर दूंगा वो ऊपर आकर ले जाएगा। और गाइस यार यहां पर ये जो गैराज है ना मतलब ये जो पार्किंग है ये पूरी की पूरी खाली पड़ी है, तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ता हूं, बाकी बैनी अपने आप इसे आकर ले जाएगा। और गाइस यार अभी ना फिलहाल एक काम करता हूं, लिमोजिन यहीं पर खड़ी रहने देते हैं क्योंकि गाइस यार अभी ना चोरी चकारी करने जा रहे हैं। तो सामने की तरफ में ना एक एसयूवी और खड़ी है, ये वाली गाड़ी लेकर चल लेते हैं जल्दी से। तो जल्दी से आ जाओ भाई तुम लोग भी गाड़ी में बैठो और यहां पर ना ये गाड़ी में सायरन बजने वाला है भाई, कंफर्म हूं मैं सायरन बजने वाला है। वैसे नहीं बजा यार, चलो बहुत सही, अभी यानी कि हमें कोई खतरा है नहीं, वैसे बच भी जाता तब भी कोई खतरा नहीं था। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, तो जल्दी से मैं इस गाड़ी को सीधा उल्टी तरफ में मोड़ लेता हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा बग स्टार्स वालों के एरिया में। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल बग स्टार्स के एरिया में जाने से पहले मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ मार्केट में क्योंकि गाइस यार अभी ना फिलहाल हम तीनों ने ना तो यहाँ पर कपड़े बदले हैं ना ही अपने फेस पर मास्क लगाया, और अगर नॉर्मली हम लोग क्राइम कर देंगे ना तो फिर वही नए वाले मिलिट्री को भाई प्रूफ मिल जाएंगे जो कि हमें बिल्कुल नहीं करने, इसलिए एक एक काम ना बहुत ज्यादा सावधानी से करना होगा। तो भी जल्दी से ना मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ और इधर ही ना यार एक मार्केट में मतलब शॉप तो है कपड़े की, तो वहीं चलकर हम लोग कपड़े भी खरीदने वाले हैं। तो ये आ गई शॉप, तो जल्दी से शॉप के अंदर चलते हैं और फटाफट बढ़िया से कपड़े लेकर हम लोग यहां से आ जाते हैं। तो बाकी तो यार मेन मेरे को मास्क चाहिए, बाकी कोट पैंट भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, बाकी इधर टी-शर्ट वगैरह सब कुछ है, मास्क भी आगे की तरफ में है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम तीनों ने यहाँ पर अपने पूरे के पूरे कपड़े बदल लिए हैं और गाइस यार यहाँ पर एक ही बंदा जिसने हमें यहाँ पर देखा हुआ है कि हमने ड्रेस चेंज करे, तो अभी इसका भी यहाँ पर खेल खत्म करते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी खतरा ना हो। तो अभी ना जल्दी से वाली गाड़ी लेकर हम लोग जाने वाले हैं सीधा बग स्टार्स वालों के एरिया में तबाही करने के लिए।
और ना वहां पर जाकर भी ना हमें उन्हें चुपचाप से मारना है, ताकि यार पुलिस वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चले कि बग स्टार के साथ कुछ हुआ भी है। क्योंकि अगर पुलिस वालों की बात पता चल गई ना कि बग स्टार वालों की गाड़ी चोरी हुई है या फिर उनके बंदे मारे गए हैं, तो सीधी सी बात है यार उनको हमारे ऊपर ही शक होने वाला है दोबारा से। इसलिए हमें बग स्टार वालों को भी इस तरीके से मारना है कि पुलिस को ना पता चले। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा बग स्टार वालों के एरिया में। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, ये जो गाड़ी है ना, मतलब इतना टूटने फूटने के बाद भी इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रही है भाई, पूछो मत। तो बिना जल्दी से यहां से अपनी गाड़ी को मैं राइट मोड़ता हूं, और सामने की तरफ में जो आप वेयर हाउस देख पा रहे हो ना, इसी के अंदर बग स्टार वालों का ऑफिस है, और वहीं पर वो लोग अपना खड़े भी रहते हैं और वहीं पर उनकी वैन भी होती है। तो एक काम करता हूं, अपनी गाड़ी को ना एकदम छुपा के मैं कहीं साइड में पार्क कर देता हूं। वैसे यार इस तरफ में कुछ बंदे खड़े हैं, तो ये लोग भाई घूर घूर के देख रहे हैं हमें। तो अपनी गाड़ी को ना मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, और ये जो जगह ना मेरे को ये थोड़ी बहुत सही लग रही है, तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर खड़ा करता हूं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, सामने की तरफ में बग स्टार्स के तीन बंदे खड़े हैं, लेकिन यार अगर मैं उनको मारता हूं ना, तो ये जो पीछे वाले बंदे हैं ना यार, ये गड़बड़ कर देंगे यार। मतलब कि हमें बात बिल्कुल भी फैलानी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए हमें ये जो काम है इस तरीके से करना है। तो यार अभी ना मेरे पास इसके अलावा एक आइडिया हो रहा है, यहां पर ना इसकी एंट्रेंस ना पीछे से भी है, तो हम लोग ना पीछे वाले गेट से चलते हैं और वहां पर से चलकर ना इनके बंदों को मारेंगे। और वहां पर मेरे सबसे बैक साइड पर इतने बंदे नहीं होंगे जितने फ्रंट साइड पर हैं। तो भी जल्दी से मैं चलता हूं सीधा पीछे, और अभी जो अपनी गाड़ी है ना, मैंने पूरी की पूरी यहां पर घुमा ली। तो चलो भाई यहां पर भी मैं पीछे से आ चुका हूं, और मेरे को नहीं लगता कि यार यहां पर पीछे की तरफ में कोई भी बंदा होने वाला है। फिलहाल सामने की तरफ में दो तीन लोग खड़े हुए हैं, तो एक काम करता हूं यार, ये तो गड़बड़ कर देंगे, और ये किसी और का ऑफिस है, नहीं नहीं हमें इसके अंदर नहीं जाना, हमें जाना है बग स्टार्स वाले में। तो चलो यार ये बग स्टार्स वाला ऑफिस, तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर खड़े करता हूं, और अब ना वो लोग ढंग से देख भी नहीं पाएंगे। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर अंदर की तरफ में देख पा रहे हो, इधर ना तीन चार लोग अपना खड़े होकर काम करने में बिजी हो रखे हैं, और मेरे पास ना भी पिस्टल है और कुछ वेपन्स है। तो एक काम करता हूं, मैं ना चुपचाप से अंदर चलता हूं, और इस तरफ में भी ना एक बंदा खड़ा हुआ है, तो भी ना जल्दी से मैं इसकी खोपड़ी पूरी की पूरी तोड़ देता हूं। चल बेटा तू यहां से निकल। और सामने की तरफ में ना एक बंदा हो रहा है, इसके भी मैं बजाता हूं, और यहां पर जो बाकी बंदे ना उन्होंने शोर मचा दिया। वैसे मेरी M416 में सप्रेसर था और उसके पास गन है। ओ भाई साहब यहां पर तो काफी सारे बंदे थे, इनको मैंने मार दिया, लेकिन गाइस यार अभी ना एक बंदा बच चुका है, और इसके पास गन है, रख तेरी ऐसे की तैसी, गन रख अंदर। और गाइस यार एक बंदा ना यहां से भाग कर जा चुका है, और बाहर की तरफ में कोई बंदे तो नहीं है ना, वो देखो यार इधर तो काफी सारे बंदे थे, बाहर वाले बंदे ना सारे भाग रहे हैं, तो इनको भी मेरे को मारना पड़ेगा। वैसे यार किसी ने शक्ल तो नहीं देखी, बहुत ज्यादा सही है, और यहां पर मैंने इनको मार दिया। और उस तरफ में भी एक बंदा भाग रहा है, तू भी निकल। एक सेकंड पड़ गई इसके, एक गोली तो पड़ी है लेकिन यार डाउन नहीं हुआ, लेकिन एक सेकंड यार बहुत ज्यादा दूर भाग कर जा चुका है। चलो यार कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे उसने हमारी शक्ल नहीं देखी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन गाइस यार ट्रेवर ने नहीं बदले, वो उसका रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा। और गाइस यार इस टाइम ना ट्रेवर ने फुली आर्मर्ड वाला सूट पहन लिया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि अभी ना ट्रेवर को मारना एक टाइप से नामुमकिन सा हो जाएगा। तो गाइस यार अभी ना हमें कुछ नहीं करना, फटाफट से यहां पर जो बग स्टार्स की वैन है इसको लेकर हम लोग जाने वाले हैं सीधा आगे के लिए। और गाइस यार सामने की तरफ में ना एक और बंदा आया बग स्टार्स का, इसने ना हमें देखा नहीं, इसको लग रहा है कि हम लोग यहीं के बंदे हैं। तो चलो यार बहुत सही, मतलब अगर ये नहीं पहचान पाया तो कौन पहचानेगा। तो अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूं सीधा लेस्टर के पास, मतलब लेस्टर के पास नहीं जाना, लेस्टर में कॉल करके बताएगा हमें आगे क्या करना है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकाल लिया, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां से गोल घुमाता हूं। और अभी ना लेस्टर कह रहा है कि ना सीधा तुम लोग अपने मार्टिन मद्रासो के घर पर चले जाओ, क्योंकि जो मिलिट्री वाले हैं ना शायद से भी वहां से निकले नहीं है। अब यार देखो लेस्टर को भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां की, क्योंकि पता नहीं है वहां के सीसीटीवी वगैरह क्या सीन है, लेकिन यार जो भी हो भी ना बिना किसी देरी के हम लोग निकल लेते हैं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर के लिए। और इधर इतना ज्यादा ट्रैफिक है भाई, जल्दी से ना दूसरा रोड पकड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर। और गाइस यार अभी ना आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, ये जो गाड़ी है ना कुछ ज्यादा ही तेज स्पीड में आ गई है। तो अभी ना मेरे हिसाब से वो लोग मार्टिन मद्रासो के घर पे ही है, तो मुझे ना सीधा घर के अंदर डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। एक काम करता हूं, मैं ना अपनी गाड़ी को यहां पर पीछे से लेकर चलता हूं, और सामने की तरफ में ना मिलिट्री वालों का ट्रक खड़ा हुआ है। तो अभी एक काम करता हूं, वाले ट्री के पीछे मैं अपनी गाड़ी को खड़े कर लेता हूं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? तो यार अभी ना फिलहाल मेरे को कुछ समझ तो नहीं आ रहा इधर ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मिलिट्री वालों का एक ट्रक इधर से निकल कर गया है, और उस तरफ में भी एक ट्रक इधर से निकल कर चला गया। ओ भाई साहब यहाँ पर दो दो ट्रक तो इनके निकल कर ही चले गए, और उस तरफ में यहाँ पर इस घर का जो माली है वो भी खड़े होकर देख रहा है, उसको भी नहीं मालूम कि मिलिट्री वाले क्या करने आए थे और क्या कर कर चले गए। बाकी यार मेरे हिसाब से ना इधर दो ही ट्रक थे कि अभी और भी बंदे हैं, फिलहाल और इधर बंदे नहीं है। तो भी यानी कि ये लोग दो ट्रक लेकर आए थे, और उसके अंदर ही शायद से ना मेरा सारा का सारा गोल्ड या फिर जो वेपन्स वगैरह है, जो भी इनको चीजें यहाँ से मिली है, वो सारी की सारी ये लोग लेकर यहाँ से निकल गए हैं। बाकी यार मुझे डरने की कोई जरूरत है अभी तो, फिलहाल मैंने अपने फेस पे भी मास्क लगा रखा है, और साथ में बग स्टार्स की वैन है, तो इस टाइम पर यहाँ पर मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं माइकल नहीं
थी उस टाइम पर। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल ये मिलिट्री वालों के दो दो ट्रक सामने की तरफ में जा रहे हैं और इन दोनों ट्रक के अंदर ही हमारा सारा का सारा कैश, वेपन्स और गोल्ड हो सकता है। अब लेसर ने कहा था तो देखो यार काफी ज्यादा चांसेस है होने के। तो अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं इनसे ये चीज वापस कैसे लूंगा, क्योंकि यार पहली बात तो ये पब्लिक प्लेस है, अगर मैं यहाँ पर फाइट करता हूँ तो बाकी पुलिस और बाकी मिलिट्री को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना मुझे कुछ इस टाइप से काम करना है कि यार इनको पता ही ना चले कि आखिरकार हुआ क्या। तो जो अपना प्लान था ना इनका एक्सीडेंट करने का, उसी प्लान को मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मुझे नहीं मालूम था कि एक ट्रक के ऊपर इतने सारे बंदे होंगे। मतलब कि देखो चार बंदे बाहर ही लटके हैं तो अंदर कितने सारे बंदे बैठे होंगे, और अंदर यार गोल्ड और कैश और वेपन्स भी हो सकता है। तो यार अभी ना एक काम करता हूँ, जैसे ये लोग किसी सुनसान एरिया में जाएंगे ना, जहाँ पर मतलब कि जो आगे वाला ट्रक है, देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी जो आगे वाला बंदा है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है, जैसे वो इनसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना वैसे मैं इनका एक्सीडेंट कर दूंगा, ताकि हमारी जो फाइट हो ना वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बंदों से हो, और एक्सीडेंट भी ना एकदम सुनसान जगह पर करना है काफ़ी ज़्यादा संभल के। तो एक काम करता हूँ, मैंने इनसे आगे निकल के थोड़ा बहुत रास्ता देख लेता हूँ। बाकी यार अभी ना मेरे को अपनी गाड़ी थोड़ी सी संभल के चलानी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको टक्कर ही मार दूँ। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि आखिरकार ये लोग जाना कहाँ पर चाहते हैं। भाई ये जिस जगह पर जा रहे हैं ना वहाँ पर पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है, बस यार मिलिट्री बेस के अंदर ना जाएं, वरना अगर उसके अंदर चले गए तो अपना सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। चलो भाई अभी सारा काम ठीक हो चुका है क्योंकि ये लोग मिलिट्री बेस के अंदर नहीं गए। अब नहीं समझ आ रहा भैया ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन यार अभी ये जो जगह है ना थोड़ी बहुत सुनसान है और उस तरफ से ना एक और मिलिट्री का ट्रक आ रहा है। तो गाइस यार देखो अभी ना अच्छी बात तो ये है कि ना इनमें से एक बंदे को भी हमारे ऊपर शक नहीं हुआ कि हम लोग ना इनका पीछा कर रहे हैं। अब ये लोग अच्छे से घूर घूर के देख तो रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये ना बग सार्स वालों की वैन है जो कि नॉर्मल चल रही है। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल ये लोग अपना ट्रक भगाते भगाते लेकर आ चुके हैं सीधा हाईवे पर, और गाइस यार अभी तक मुझे लग रहा था कि ये लोग मिलिट्री बेस ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने ट्रक को कहीं और मोड़ लिया और फिर मेरे को लग रहा कि मिलिट्री बेस नहीं ले जाएंगे, तो ये लोग वापस से मिलिट्री बेस वाले हाईवे पर आ गए। अभी समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ये दोनों ट्रक लेकर आ चुके हैं सीधा माउंट शिलियाड के लिए, और गाइस यार अभी मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये लोग ना सीधा माउंट शिलियाड के एकदम ऊपर ही जाने वाले हैं। अब यार मैं एक काम करता हूँ, इनके ऊपर जाने से पहले ना मैं ऊपर चले जाता हूँ, ताकि ना मेरे को ऊपर का पूरा चीज़ मालूम पड़ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और मैं इनको मारने में लगा हूँ। वैसे यार ये जो जगह ना पूरी की पूरी सुनसान है, और मेरे हिसाब से इनको मारने के लिए इससे ज़्यादा बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। तो अभी ना यहीं पर मेरे को इनका खेल खत्म करना पड़ेगा, फिलहाल ना एक ही ट्रक को भी मारने वाला हूं। बाकी यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो मैं इस रास्ते से आऊं और वो लोग किसी और रास्ते से आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, आना तो उन्हें घूम फिर आकर यही है, चाहे इस रास्ते से आओ चाहे उस रास्ते से आओ। एक काम करता हूं, एक ट्रक को ना आगे जाने दूंगा, दूसरे ट्रक को ना मैं पीछे ही रोक लूंगा। वैसे मैं नहीं रोकूंगा, मैं अपनी गाड़ी को ना बीच में लगा दूंगा। और कितनी तेज चलाकर आ रहे हैं ये, एक सेकंड यहां पर ना मेरे को इसे रोकना पड़ेगा। अगर मैं इसके आगे गाड़ी लगा दूं आराम से भाई साहब, यहां पर ना भी फिलहाल मैंने इसके टक्कर तो दे दी और इनको ना भी हम लोग बग स्टार्स के बंदे लग रहे हैं। वैसे यहां पर सायरन तो बजा रहे हैं, मुझे आगे ले जाना चाहिए अपनी गाड़ी को, वरना ये लोग इसे नॉर्मल एक्सीडेंट समझने की बजाय ना हमें क्रिमिनल समझ लेंगे। तो यार अभी ना मेरे को एकदम नॉर्मल बंदे के हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ेगी, लेकिन यार अभी मैं इनको मारूंगा कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। अब अच्छी बात यह है कि गाइस देखो एरिया भी पूरा का पूरा सुनसान है, और जो दूसरा वाला ट्रक है ना वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। अभी मैं पहले अच्छे से चेक कर लेता हूँ कहीं वो इनके लिए आगे रुका ना हो। बाकी यार देखने में मेरे को लग तो नहीं रहा कि वो आगे रुका है, तो यार मेरे हिसाब से ना मुझे अब इनका खेल खत्म कर देना चाहिए। तो गाइस यार देखो ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है इन लोग को मारने के लिए, और इनको अभी तक समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा। निकालो भाई गोलियां, सबके बजेगी, अब तेरी भैंस के डांग यहाँ पर सबको मारूंगा। और जितने बंदे थे ना गाइस मेरे हिसाब से हमने सबको डाउन कर दिया, सबको मारो भाई, इनकी ऐसी की तैसी हमारे पैसे लोगे। पीछे से कहाँ से भाग के आ रहा है भाई, निकल। वो भाई सब उसके अंदर पूरे भर भर के बैठे हुए थे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने सबको मार दिया है, और अंदर की तरफ में अपना काफी सारा कैश भी है। और इधर एक बंदा अंदर जाकर भाग कर है इसकी भैंस की डांग। जैसे हमने इसके सारे के सारे बंदे मार दिए ना, ये बंदा बैठ कर यहाँ से भाग रहा था। चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हमें यहाँ पर हमारा काफी सारा कैश तो मिल चुका है, और जो दूसरा वाला ट्रक था ना अभी वो नहीं मालूम उसके अंदर क्या है। और गाइस यार वो वाला जो ट्रक है ना काफी ज्यादा आगे जा चुका है, और अच्छी बात तो ये है कि अभी ना यहाँ पर किसी को भी मालूम। ओ यहाँ पर और बंदे हैं क्या, एक सेकंड, गोली कौन चला रहा है भाई? मेरे को लग रहा है गाइस यार यहाँ पर ना और बंदे, अभी ट्रैवर ने शायद से गोली चलाई। चलो कोई नहीं यार, अभी जो दूसरा वाला ट्रक है ना भाई उसका नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है, अभी ना जल्दी से उसे भी चलकर ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रैवर जो है पीछे बैठ चुके हैं। अभी ना ये वाले ट्रक को मैं पहले ना सेव कर लेता हूँ, मतलब कि जो पैसा है ना अभी दोबारा से उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए मिलिट्री वालों के। इस ट्रक को मैं कहाँ पर ले जाके खड़ा करूँ, और यार जितनी भी लाशें हैं ना इनको भी अभी छुपाना पड़ेगा, वरना उन लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो अपने ट्रक को यहीं पर खड़ा करते हैं, और जितनी भी लाशें ना सारी की सारी ठिकाने लगा देते हैं वो वाली गाड़ी में जो बग स्टार्स की थी। तो भी ट्रैवर को मैंने काम बोल दिया है, और फ्रैंकलिन गिर गया पीछे।
तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितनी भी बॉडी थी ना, हमने यहाँ पर सबका ठिकाना लगा दिया है। इस वाली वैन के अंदर सभी बंदों को भर दिया है। और अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वैन को ना किसी खाई वाई में गिरा कर आ जाता हूँ, ताकि ये ना मिलिट्री वाले बंदों को मिले ही ना। तो भी जल्दी से ना इस वैन को मैं लेकर चलता हूँ। सामने की तरफ ना ट्रेन जा रही है, उधर ही कहीं पर मैं पैक कर आ जाऊँगा। बस ऐसा हो जाए कि ये ना मिलिट्री वालों के हाथ ना लगे, बाकी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना ये जगह ठीक है, इस जगह पर ना साइड में इनको फेंक देते हैं। यहाँ पर आराम से इन्हें कोई शेर वे रहेगा, वो अपना खा जाएगा। मैं अपना यहाँ से एकदम आराम से निकल लेता हूँ। वैसे अगर अंदर खड़ी करता ना तो ज्यादा बेटर रहता, बाकी यार यहाँ पर इधर कोई इतना वतना आता नहीं है। तो भी जल्दी से ना मैं वापस चलता हूँ जहाँ पर फ्रैंकलिन और ट्रेवर है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते उसी जगह पर वापस आ गया हूँ। गाइस यार फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी मेरे पीछे पीछे ही गए थे। तो चलो यार, अभी ना फटाफट से मैं इन लोगों की गाड़ी चुराता हूँ। और यार इन लोगों ने देख लिया, अभी ना इनको भगाना पड़ेगा। तुम आ रही है ऐसी की तैसी, यहाँ पर एक गाड़ी चुराने आया, इनको इतनी ज्यादा चोड़ चढ़ रही है। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने सबको मार दिया। इन्होंने देख लिया था कि हम लोग इनकी गाड़ी चुरा रहे हैं। तो चलो यार जल्दी से बैठ ट्रेवर। और यहाँ पर इस बंदे के अंदर अभी भी जाना है, पिट कर जाएगा क्या, अभी जिंदा बच जाता अच्छा खासा। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसको अपना जोश दिखाना है और बेचारा मारा गया। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर एक सेकंड यार, पीछे की तरफ में ना दो तीन बंदे और हैं जो कि बेमतलब की हरकत करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना मुझे पहले इनको मार देना चाहिए, कहीं बाद में ना ये लोग प्रॉब्लम ना करें। तो भी फिलहाल यहाँ पर मैंने इनको मार दिया। एक बंदा ना और आगे की तरफ में ये पंगे ले रहा, तो चलो यार इसको भी मारते। यार ये गंजा पिटेगा मेरे से भी, मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। मारो इसको, इसको बहुत बुरे वाला मारना। इसकी भैंस की आराम से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन चैन नहीं है इसको। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मैंने इसको भी मार दिया। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर और ऊपर चलता हूँ। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में वाला ट्रक देख पा रहे हो, इस वाले ट्रक के अंदर ना फिलहाल हमें कैश मिल गया था। लेकिन यार जो अपना मतलब पहला वाला ट्रक था जो आगे आगे चल रहा था, उसके अंदर यार पता नहीं हमारा क्या सामान होगा। बाकी यार कैश भी ना हमें सारा नहीं मिला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेटी कैश है, और हमारे पास कम से कम चार पेटी कैश तो था ही। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। और यार ये जो रास्ता है ना, मेरे हिसाब से वो लोग इसी रास्ते से गए होंगे, बाकी थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। और गाइस यार ये तो वही वाली टनल आ गई जहाँ पर बिग माफिया के बेटे का सीक्रेट बेस था। और यार आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो यार, उधर ना मतलब कि काफी सारी गाड़ियां खड़ी है। और यार मेरे को पता नहीं इधर क्यों खतरा लग रहा है। और यार वो देखो, उधर ना मिलिट्री वालों का टैंक भी है, और साथ में वही वाली गाड़ी भी है जो कि मतलब आगे आगे चल रही थी। बाकी यार अभी मेरे को नहीं लगता कि मुझे यहाँ से आगे जाना चाहिए, क्योंकि यार इधर इतने सारे ये पेड़, भाई ये कहाँ से आगे इतने पेड़। वो भाई ऊपर की तरफ में यार देखो मिलिट्री वाले बंदे खड़े हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यार ये लोग बेसिकली ना यहाँ पर स्काउट ही करे जा रहे हैं। और अगर उन्होंने अपनी गाड़ी को देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और अच्छा हुआ कि हमने ना सही टाइम पर उन मिलिट्री वाले बंदों को मारा, अदरवाइज अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आते ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। अभी फिलहाल ना जैसे तैसे मैंने अपनी गाड़ी को ना नीचे नहीं उतारा, नीचे गिराया है। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर अंदर एंटर होने की ना एक और जगह है, तो वहां से ना मैं अपनी गाड़ी घुमा कर लाता हूँ। बाकी यार मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से अंदर जा पाएंगे। बाकी एकदम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ना साइड साइड से कुछ ना कुछ तो मेरे को नजर आ ही सकता है। बाकी यार इधर बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी है यार। एक सेकेंड, ये देखो सामने मिलिट्री वाले बंदे खड़े हैं। ओ भाई मैं साइड ले लेता हूँ यार अपनी गाड़ी रोड पर, ये लोग मेरे ऊपर शक ना करने लग जाए यार। मतलब यहाँ पर ना पूरे के पूरे बोर्ड वगैरह, ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। और ये क्या चीज लगा रखी है भाई, यहाँ पर कुछ तो अलग सीन हुआ है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते टनल की सेकंड एंट्रेंस की साइड पर आ चुका हूँ। और गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर ऊपर लेकर जाने वाला हूँ। बाकी ना चलकर देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या सीन है। बाकी यार अगर हमें इधर से एंट्रेंस मिल गई ना तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर हम लोग ना उनको पीछे से जाकर मार देंगे जो बंदे हैं। और उधर की तरफ में ना भारी ट्रक खड़ा हुआ है, वो ट्रक लेकर ना तुरंत निकल लेंगे। और उसी के अंदर हमारा गोल्ड या वेपन्स कुछ भी हो सकता है। बाकी यार ये जो जगह है ना, मेरे को पता नहीं क्यों खतरनाक सी लग रही है। और ऊपर की तरफ में भी मिलिट्री वाला बंदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ से अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो चलो गाइस यार, इतनी देर ना अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करके हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि यार अभी हमें अंदर जाकर इन लोग को मारना है। क्योंकि अगर अंदर मिलिट्री बेस हुआ ना तो फिर हम लोग इनका खेल खत्म कर सकते हैं। फिलहाल ना सबसे पहले ना हम लोग एक बढ़िया सा कवर लेने वाले हैं। गाइस यार इधर ना बहुत सारे बंदे हैं, और अगर इस तरीके से हमारे गोलियां पड़ेगी तो फिर हम लोग तो मर ही जाएंगे। और बाकी यार हमारी जो गाड़ी है ना इस टाइम पर गलत जगह आ चुकी है। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पीछे लेता हूँ। और यहाँ पर जितने बंदे हैं ना सबको पहले नॉर्मली मारेंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी ऑटो गन निकालता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कवर। तो भी जल्दी से मैं कवर लेता हूँ। और गाइस यार ये देखो ऊपर से ना काफी ज्यादा गोलियां चल रही है, तो चलो बेटा निकलो यहाँ से। तो अभी फिलहाल हमने इनको तो मार दिया, सामने की तरफ में भी बहुत सारे बंदे हैं, तो अभी सबको मारना है। और गाइस यार टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरे को अपनी मिनी गन निकालने का। और गाइस यार अभी ना इसके अंदर ज्यादा एमो है नहीं, तो अभी ना मैं उसको थोड़ा बहुत यूज करूंगा। तो सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो, इधर भी एक
बंदा है और यार इधर ना इन्होंने ये सारी की सारी ना मतलब रेडीमेड झाड़ियां लगा रखी है ताकि ना दूर से अगर कोई बंदा आए तो उसको ढंग से ना आगे की चीज नजर ना आए। बाकी तो अभी ना फटाफट से मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन थोड़ा बहुत पीछे रह गए, उनके आने का मैं वेट करता हूँ। यार बहुत सारे बंदे हैं, एक सेकंड यार सबको एकदम आराम आराम से मारूंगा यार, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभल संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा यार वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी भाग कर आ चुके हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यार ऊपर ऊपर से भी बहुत सारी गोलियां चल रही है, इसको मैंने मार दिया, इस तरफ में भी एक बंदा है। यार ऊपर शायद से पता नहीं बॉम्ब फूटा है या फिर किसी ने आरपीजी चलाई है पता नहीं, वो पीछे एक बंदा आ रहा है। ट्रेवर फ्रैंकलिन जल्दी आओ अंदर चलना है। और इधर कितने तकड़े तकड़े सारे ट्रक हैं। अभी ना गाइस हम लोग अपोजिट साइड से एंटर हुए हैं, उस टाइम पर ना मेरा मास्क उतर गया, तो गाइस अभी ना मेरे को मास्क अपना दोबारा पहनना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी यार बहुत बड़ी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को मेरा मास्क तो दोबारा मिला नहीं लेकिन मैंने हेलमेट पहन लिया है। और गाइस सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिन्होंने भी मेरा मास्क देखा ना उन लोग को मैंने मार दिया। और गाइस ये जो टैंक है ना मेरे को इसके अंदर कोई ना कोई बंदा लग रहा है भाई, इसकी जो भी तोप है ना वो हिली थी एक बार, इन्हें अगर बंदा होगा तो उसे मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। नहीं निकाल लिया, चलो छोड़ो अभी ना गाइस जल्दी से मेरे को आगे चलना है। और यहाँ पर भी कुछ बंदे छुप छुप के खड़े हुए हैं, भाई साहब हिम्मत तो बहुत है इनके अंदर। और सामने भी काफी सारे बंदे हैं, तो चलो बेटा तुम्हारी सबकी बैंड बजने वाली है। यहाँ पर अंदर एक बम फेंका और ये मैंने कर दी बहुत तगड़ी तबाही, और मेरे हिसाब से जितने बंदे ना सारे मरे होंगे। यार बहुत तगड़ा धमाका हुआ है इस तरफ में, तो यार ढेर सारे वेपन्स है, मिसाइल्स है, अच्छे हुआ कि इनके अंदर आग नहीं लगी वरना यार बहुत ज्यादा तगड़ा सीन हो जाता। और यार इधर भी मेरे को बंदे तो लग रहे हैं बहुत ज्यादा। और तुम दोनों कहाँ रह गए, जल्दी आओ भाई। तो चलो गाइस अभी ना धीरे धीरे से मैं और आगे चलता हूँ। यहाँ पर पीछे फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी आ चुके हैं और गाइस अंदर की तरफ में ना और भी बहुत सारे बंदे हैं, सबको मैं मारने वाला हूँ। चलो यार इनको मैंने मार दिया, एक बंदा यहीं पर खड़ा हुआ है इसको भी मार दिया। सामने तो यार ढेर सारे बंदे हैं, एक काम करता हूँ यहाँ पर पीछे चलता हूँ, मेरे को पता था इधर कोई ना कोई छुपा होगा। तो वो देखो सामने से शॉटगन मार रहा है, वैसे शॉटगन मेरे पास भी है। और गाइस अभी ना आगे मेरे को लग रहा है बहुत सारे बंदे, ओ भाई आगे जाने लायक तो है ही नहीं भाई, इतने सारे बंदे ना यहाँ पर, मतलब जिन पे गन्स नहीं है वो भी लड़ने के लिए रेडी है। एक बम मैं अंदर डालकर यहाँ पर ना ब्लास्ट मारता हूँ, वैसे यार ज्यादा बंदे मरने नहीं वाले, और तुम दोनों आ जाओ तीनों मिलकर गोलियां मारेंगे। तो चलो गाइस अभी ना यहाँ पर फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी दोनों को मैंने अंदर वाले रूम में ही बुला लिया है। तो गाइस आगे की तरफ में ना बहुत सारे बंदे हैं तो सबको हम लोग मारने वाले हैं। और यही टाइम है यहाँ पर अपनी मिनी गन चलाने का, तो बेटा जो भी है सारे के सारे मरने वाले हो, दीवार विवार सब टूट जाएगी भाई आज मेरे को ऐसा लग रहा है। और इस तरफ में कोई तो नहीं है ना, नहीं भाई कोई नहीं है। सामने की तरफ में आग लग गई कि ये इन्होंने क्या, ओ पीछे तेरी भैंस की, अबे मारो बे इसको फ्रैंकलिन ट्रेवर कहाँ पर हो भाई, बेचारों के पास ना गन नहीं है, अंदर बैठ के ना यहाँ पर अपना खाना पीना कर रहे थे इसलिए इनको मुक्के से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन कुछ कुछ बंदों पे ना गन्स है अभी, और यहाँ पर कोई है तो नहीं ना, नहीं है। और यार मेरा बार बार ही हेलमेट उतर जा रहा है, शिट यार मेरे को अपना हेलमेट दोबारा पहनना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने हेलमेट पहन लिया ताकि यार कोई भी मेरी शक्ल ना पहचान पाए। यार एक तो जब भी मेरे आके मुक्का मारते हैं तो सीधा हेलमेट ही उतरता सबसे पहले, निकलते ही ऐसे की तैसे। यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया, इसको भी मैं डाउन करता हूँ। यार आगे ना बहुत सारे बंदे हैं तो मेरा बहुत ज्यादा संभल संभल के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ यहाँ पर ना मैं एक बॉम्ब डाल देता हूँ, वो देखो सामने अगर बंदा खड़ा है ना तो और भी बंदे अंदर होंगे। और मेरे को ना अंदर की तरफ में बॉम्ब का कम यूज करना चाहिए क्योंकि अगर कहीं पर भी मतलब कि कोई तगड़ा बॉम्ब हुआ ना तो वो भी फट सकता है साथ के साथ। तो इसलिए भी ना मेरे को जितना भी कम से कम मेरे को यूज करना है यहाँ पर इन नॉर्मल वाले स्टिकी बॉम्ब का। बाकी सामने की तरफ से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, इनको भी मारना है। वो देखो धक्का मार के भेजा है इसको किसी ने, निकल तीरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर अभी ना गाइस मैंने शॉट गन निकाल लिया है और इस तरफ में ना एक तो बंदा है, यहाँ पर मेरे को लग तो रहा है इस तरफ में कोई बंदा है। और अभी गोली मेरे कौन मार रहा है, एक सेकंड यार यहाँ पर उतरी भाई साहब ये खड़ा हुआ था, अच्छा हुआ कि मेरी वेस्ट ने मेरे को बचा लिया। तो यार अभी ना मेरे बहुत ज्यादा गोलियां पड़ गई, बगल में एक बंदा खड़ा था और ये पीछे से भाग करा रहा है, निकल तीरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर इसके मस्त गोलियां बजाई है, अभी फटाफट से मैं रीलोड करता हूँ और अंदर चलकर देखता हूँ। गाइस यार अंदर की तरफ में भी ना काफी सारे बंदे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बंदा भाग तो हुआ था, भाई जाना यहाँ से अपना काम कर, यहाँ पर इसको मैंने मार दिया। और ये मिलिट्री कर्नल, लेकिन यार ये मेन हेड वाला कर्नल ही है, वो दूसरा है, उसकी शक्ल मेरे को अच्छे से याद है और उसके सिर पर ना वो वाली कैप रहती है। बाकी यार अंदर की तरफ में ना दो तीन मिलिट्री कर्नल है, लेकिन ये को मिलिट्री कर्नल है जो मेन हेड है ना, और वो भी अब मेरे सबसे यहीं पर होगा। और उस वाले रूम के अंदर अभी ना भी कुछ बंदे हैं, तो फ्रैंकलिन जल्दी से हट, सॉरी ट्रेवर जल्दी से हट, मेरे को उस वाले रूम में जाना है। और ये देखो एक बंदा खड़ा हुआ, आर पार गोलियां ना ढंग से जा नहीं पा रही है, रुक जाओ मैं वहीं आके मिलता हूँ, रुक जा। बाकी यार आगे की तरफ में ना अभी और बंदे हैं, यहाँ पर से रास्ता है अंदर जाने का, निकल यहाँ से, इसको तो मैंने मार दिया। और एक बंदा ये रहा, चल तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से, इसको मैंने मारा। और गाइस ये देखो यहाँ पर एक बंदा ये रहा, इसको भी मारो। और अंदर की तरफ में भी एक बंदा है, इसको भी गाइस मैंने मार दिया। और भाग की तरफ से ट्रेवर फ्रैंकलिन भी अपना लगे पड़े हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इधर की तरफ में तो मैंने काफी सारे बंदों को मार दिया है। और एक काम करता हूँ, मेरे को पता क्या लग रहा है कि इस वाले रूम के अंदर भी बंदे हैं, वो देखो सामने की तरफ में दो बंदे खड़े हैं, एक एरा एक एरा, दोनों को मैंने मार दिया। बेचारे यहाँ पर बैठ के अपने मजे ले रहे थे। और गाइस यहाँ पर देखो कितना सारा कैश पड़ा हुआ है, और ये सारा का सारा कैश पैक हो रहा है, मतलब कि हमारे कैश से इनकी पेमेंट हो रही है क्या भाई, ये क्या सीन है, ये तो सैलरियां बांट रहे हैं भाई, ये कैसा मिलिट्री कर्नल है। अभी यार इनका ना कुछ और मकसद होगा इस चीज से। और गाइस यार इस वाले रूम के अंदर अपना जो गोल्ड है जो उस ट्रक में आया है, मेरे हिसाब से वही है सारा का सारा गोल्ड भाई साहब, यानी कि ये लोग तो हमारा
सारा ही गोल्ड उठा कर लिया है, तो अभी ना जल्दी से मुझे वाला सारा का सारा गोल्ड यहाँ से वापस ले जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस अभी ना उससे पहले मेरे को यहाँ के बंदे मारने पड़ेंगे, तभी मैं यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पर ना मैं मर भी सकता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। पीछे की तरफ से फ्रैंकलिन ने तो कवर दे दिया, पूरा शॉटगन मैंने उसके कितनी बुरी वाली मारी। अब आओ बेटा कौन छोड़ा हो रहा है, मतलब ज्यादा एमो नहीं है तो सारे के सारे बदमाश बनोगे। वो भाई कैसे मुक्के मार रहा है तेरी ऐसी तरह से, फिर मेरा हेलमेट उतार दिया इन लोगों ने भाई साहब, मतलब बात बात पे मेरा हेलमेट ही उतारे जा रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर पीछे की तरफ में ही रह गया था, तो मैं उसको लेने गया था। अभी ना गाइस यार यहाँ पर ना काफी सारे बंदे और हमें अपना गोल्ड भी लेना है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। और इधर के जितने भी बंदे थे ना फ्रैंकलिन ने सारे के सारे मार दिए हैं। लेकिन गाइस यार मुझे पता है क्या लग रहा है कि आगे ना और भी ज्यादा बंदे हैं। और यार ये टनल कैसी थी, मिलिट्री वालों ने कैसे कर दिया है, और नीचे की तरफ से ना यहाँ पर बंदे तो है मेरे को ऐसा लग रहा है। एक काम करता हूँ यहाँ पर ना नीचे बम डाल के फोड़ देता हूँ, पता चल जाएगा आखिरकार कोई है कि नहीं। बाकी यार सामने की तरफ में कुछ बंदे अपना घूमने में तो फुल मस्त हो रखे हैं, इनके भी मस्त गोलियां पड़ने वाली है। और ये देखो कैसे छुप कर बैठे हुए यहाँ पर, बेटा कब तक छुपोगे हमसे, अभी हम लोग सबको मारने वाले हैं। लेकिन गाइस यार वो जो मिलिट्री कर्नल है ना, बस वो मेरे को एक बार मिल जाए। और ये जो भागते हुए आते हैं ना पैदल, ये लोग मुक्का मार के ना हेलमेट तोड़ देते हैं, इससे क्या होता है ना हर बंदे को हमारी शक्ल दिख जाती है, तो इनको मारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चल बेटा निकल यहाँ से, इसको मैंने मार दिया। और गाइस यार आगे की तरफ में और भी सारे बंदे, ओ भाई इसने मेरी गोली मारी। और उस तरफ में ना गाइस एक टैंक था जो कि बहुत बुरी तरह फूटा है, और यहाँ पर ये सारे के सारे वर्कर्स हैं जो कि टनल को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे थे। बेटा टनल को बड़ा करने की जरूरत नहीं, अच्छा ये लोग टनल को बड़ा नहीं कर रहे, ये लोग जो बिग माफिया के बेटे की सीक्रेट बेस की एंट्रेंस है ना उसको तोड़ रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन इधर उन्होंने पत्थर लगा के पूरा ब्लॉक कर रखा है, मेरे को पता क्या लग रहा है कि इन्होंने ना या तो एंट्रेंस बंद कर दिया है या फिर ये कुछ और ही इनका प्लान है। तो मेरा फिलहाल जितने बंदे सबको मारता हूँ। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मेरे को उस साइड से पुलिस के सायरन का तो बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, तो बिना मैं जल्दी से आगे चलता हूँ। और यहाँ पर भी काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं, तो मुझे ना जल्दी से इधर से नीचे उतरना चाहिए। और वो देखो ना, ओ भाई साहब यहाँ पर तो ये लोग एकदम लटा के मारने लगे, तेरी भैंस के रंग सबको मारूंगा यहाँ पर, वरना ये लोग मेरे को मार देंगे। और इस तरफ में भी एक बंदा है, इसको भी मैं बड़ी जल्दी से डाउन कर दिया है। चलो यार वरना भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती, फिलहाल उसने मेरे थोड़ी बहुत गोलियां तो मार दिया है। और उस तरफ में ना गाइस मेरे को एक बंदा नजर आया, तो इसको ना मेरे को यहीं से खड़े खड़े मारना पड़ेगा, अगर मैं पास जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और उस तरफ में ना गाइस काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए हैं गाड़ियां ले लेके, तो भी सबको मैं अपनी स्नाइपर से ही मारने वाला हूँ। तो चल बेटा निकल यहाँ से, और एक एक करके आ रहे हैं इधर आ से निकल। ओ भाई साहब ये तो थोड़ा सा पास आ गया, पास आने की गलती मत कर, मुंह पे ही पड़ेगी वरना ये शॉटगन, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। और सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो यार, उधर ना काफी सारे मिलिट्री के बंदे आ गए हैं। लेकिन गाइस अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे कैसे जाना चाहिए। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो यार कितने सारे बंदे इधर आ गए हैं। और यार अभी मेरे को पता क्या लग रहा है कि मुझे ना सारी की सारी गाड़ियां फोड़ देनी चाहिए। और मेरे पास ना एक बॉम्ब है, तो जल्दी से ना मैं इस बॉम्ब को आगे डाल देता हूँ। लेकिन गाइस यार एक बॉम्ब ना यहीं पर डल गया है, लेकिन एक बॉम्ब आगे जा चुका है। तो अभी ना मैं इस वाले एरिया से निकलना पड़ेगा, वरना यार कभी भी बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो सकता है। फ्रैंकलिन जल्दी आ जा, ये जगह मैं पूरी की पूरी ब्लास्ट करने वाला हूँ। और हम लोग ना पीछे वाले गेट से यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, तो फ्रैंकलिन को मैं जल्दी से बुला लेता हूँ। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मेरे पास जितने भी बॉम्ब थे ना वो सारे के सारे बॉम्ब मैंने इधर प्लांट कर दिए हैं। क्योंकि गाइस यार आप लोग को नजर आ रहा होगा उधर ना बहुत ज्यादा सिलेंडर्स हैं, और हम लोग ना ये वाले गेट पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट करके दूसरे वाले गेट से यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलो भाई यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर दिया है, और बाहर की तरफ में तो भाई गाड़ियां फूटनी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है ना कि गाइस यार अभी ना थोड़ी देर पर यहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगने वाली है। और यार ट्रेवर कहाँ पर चला गया, ट्रेवर तो लास्ट टाइम हमारे साथ ही रहा ना, बट यार अभी मेरे को ट्रेवर नजर नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग उस तरफ में जा रहे हैं, जल्दी से उसे ढूंढेंगे। और अभी ना फटाफट से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना जो मिलिट्री वाले हैं ना वो समझ जाएंगे कि हम लोग उस वाले गेट से एग्जिट होने वाले हैं, और वो लोग उस वाले गेट को जाकर अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो फिर हम लोग इस टनल के अंदर ही फंस जाएंगे, और फिर हम लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो भी जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और कहीं पर भी ट्रेवर नजर नहीं आ रहा है। एक बार ना अंदर वाले रूम्स में चेक कर लेता हूँ, और इस वाले रूम से मेरे को ना गोल्ड भी लेना है सारा का सारा। तो भी जल्दी से ना जितना गोल्ड है सारा लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एक काम करता हूँ ना, ट्रक को ही मैं अंदर ले आता हूँ, और फटाफट इसके अंदर लोड करवाते हैं, और जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और गाइस अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ट्रक जो है इतनी अंदर तक आएगा कैसे। एक काम करते हैं, जितना भी गोल्ड है ना सारा का सारा गोल्ड अपने बैग में भरते हैं, और उन बैग को लेकर चलेंगे सीधा बाहर की तरफ में, क्योंकि गाइस अभी ना ट्रक इम्पॉसिबल है अंदर लाना, तो यार ये बेवकूफी होगी। अभी ना जल्दी से हमारे पास दो बैग है, दोनों बैग के अंदर जितना भी गोल्ड आ पाता है भर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। अगर गोल्ड नहीं भी मिलता मैं तो कह रहा हूँ तो भी निकल जाते हैं। बाकी यार अभी ट्रैवर नहीं मिल रहा यार, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है मेरे हिसाब से ना यार, वो यहाँ से भाग गया होगा, वैसे भागने वाले बंदों में से तो नहीं है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इधर दो ट्रोली गोल्ड था, जिसमें से एक ट्रोली गोल्ड तो हमने सारा का सारा ले लिया, लेकिन जो दूसरी वाली ट्रोली थी ना उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड रह गया है। उस टाइम पर ना हमारे दोनों लोग के बैग पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं, तो बिना जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना यार मिलिट्री वालों ने अगर उस साइड से भी ब्लॉक कर दिया ना रास्ता तो फिर हम लोग इसी के अंदर फंस जाएंगे। और जो बिग माफिया का सीक्रेट बेस की एंट्रेंस है अभी वो भी नहीं पता कहाँ पर है भाई, मतलब कि अगर इसके अंदर एक बार फंस गए तो फिर आराम से लोग अरेस्ट कर लेंगे। और यार अभी ना ट्रैवर का कुछ होता पता नहीं यार, वो कहाँ पर चला गया, और इधर में से कहीं गिरा विरा तो नहीं है, नहीं यार इधर कहीं पर भी नहीं मेरे को नजर आ रहा
ड्राइवर, तो भी जल्दी से ना मेरे को यहाँ पर निकलना पड़ेगा। और यार कितनी जबरदस्त इधर फाइट हुई है, और ये इधर क्या कर रहा था भाई, लग रहा है इसके होश उड़ गए थे मेरे को ऐसा लग रहा है। ये कर क्या रहा था भाई आखिरकार? तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम लोग बाहर की तरफ में आ चुके हैं, और अभी ना मैं जल्दी से आगे चलता हूँ। सामने की तरफ में ना पुलिस वाले आ तो गए हैं इस तरफ में, मतलब कि ना इनको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर दूसरी साइड से निकलने वाले हैं। तो फ्रैंकलिन आ भाई जल्दी से बाइक पे बैठे यार, फ्रैंकलिन थोड़ा सा ना पीछे रह गया, मुझे ना आगे के बंदों को संभालना पड़ेगा। और गाइस अभी ना गड़बड़ होगी भाई, इन्होंने पूरा पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, और अभी ना मेरे को नहीं समझ आ रहा मुझे कहाँ से जाना चाहिए। फिलहाल एक काम करता हूँ, अपनी बाइक को ना मैं साइड में लगाता हूँ, और यही टाइम है यहाँ पर अपनी मिनी गन की सारी एमो चलाने का, मतलब कि ना अभी हमें रास्ता बनाना ही पड़ेगा। तो चलो भाई बहुत तगड़ा यहाँ पर मैंने ब्लास्ट कर दिया है। और यार अभी ना इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। और यार इस गन की जो एमो है ना भाई वो लिमिटेड है मेरे पास, और अगर अभी मैंने थोड़ी सी और चलाई तो यार ये बस ना खत्म होने वाली है। सामने की तरफ में यार मैंने बहुत ज्यादा ही ब्लास्ट कर दिया, और अभी जो रास्ता है ना पूरे के पूरे एरिया में आग लग चुकी है। मेरे पास एक बॉम्ब बचा था, इसको फोड़ता हूँ, शायद से ना अब थोड़ा सा रास्ता बन जाएगा। तो भी जल्दी से ना मैं अपने साथ फ्रैंकलिन को लेता हूँ, जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फ्रैंकलिन भी यार आगे गया है, नहीं 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 गाड़ी अभी काम नहीं आएगी, तो फ्रैंकलिन जल्दी बैठ यार। वैसे ना इधर की तरफ में बुलेट प्रूफ कार्स तो खड़ी हैं, बट यार अभी ना बाइक अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अगर बुलेट प्रूफ कार निकालेंगे ना तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, वैसे काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है। और अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकलते हैं। सामने की तरफ से काफी सारे पुलिस वाले तो आए थे, लेकिन यार हमने एकदम सही तरीके से अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया, और यार पूरे के पूरे एकदम रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। तो चलो भाई फ्रैंकलिन ने भी एकदम भर के यहाँ पर इनके गोलियां बजा दिया है, तो यही टाइम है यहाँ पर जल्दी से निकलने का। और यार अभी ना अगर मैं रोड से जाऊंगा तो इन लोग को पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ मैं ना पहाड़ वाले रास्ते से जाऊंगा, बट यार इधर ना हेलीकॉप्टर है जो कि यार मतलब कि पूरी एकदम करेक्ट लोकेशन सबको हमारी दे रहा है। ओ भाई बच गए, वरना अभी टक्कर पड़ती तो बहुत बुरे वाले मारे जाते। और इसकी एकदम मस्त गोली बजा दी भाई, फ्रैंकलिन लग रहा है आज फुल फॉर्म में है। तो यार अभी ना जल्दी से हमें निकलना है, वैसे लॉस सैंटोस में जाने वाला। एक काम करता हूँ पलिटो में जो अपना रेंट वाला हाउस था ना उस तरफ में ही निकल लेते हैं, वो जो जगह है ना अपने लिए बहुत ज्यादा सेफ है। तो अभी गाइस मैं सीधा उधर ही जाने वाला हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा सा ना आगे से यू टर्न लेना होगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को बहुत ज्यादा तेज भगाते भगाते लेकर आ चुका हूँ हाईवे पर। और गाइस यार यहाँ पर ना मिलिट्री और पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भाई बहुत तेज चलाने वाला हूँ। ब्रेक्स का तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना, और एक तो रात का टाइम है ना ढंग से कुछ नजर भी नहीं आ रहा, और यार इस तरफ में तो ना पूरे के पूरे रोड ही इन लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं। और अभी ना जल्दी से मैं अपने पलिटो वाले हाउस पर जाने वाला हूँ जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे वो रेंट का हाउस है, लेकिन यार अभी उस घर के अंदर हमें कुछ भी करके घुसना ही घुसना है, क्योंकि वो जो घर है ना बहुत ज्यादा सेफ है। और यार इधर तो पुलिस वाले इतने ज्यादा भर कर तो कभी नहीं आए भाई, क्या करूँ अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ यहाँ पर ना इस वाले रोड से अंदर लूंगा तो शायद से यहाँ से एग्जिट नहीं मिलने वाली, बट एक बार चल अगर देख लेता हूँ। मिट्टी से निकाल लेंगे, कोई नहीं यहाँ पर बीच है, वहां से अपनी गाड़ी बाहर निकल सकते हैं। नहीं 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 गाइस यार इधर पूरा का पूरा पलिटो का रास्ता कनेक्टेड है, तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। मिलिट्री वाले भाई मेरे को नहीं लगता इस बार हमें छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी से गाड़ी आगे ले जानी पड़ेगी यहाँ से। ओ भाई इधर भी बहुत सारे बंदे हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी में राइट मोड़ता हूँ, यहाँ पर ना इनको मैं चकमा दूंगा बहुत ज्यादा तगड़ा, वो भी गलियों के बीच में। तो चलो यार अब इनको मेरे पीछे आने दो, अब मैं इनको बताता हूँ कि आखिरकार पुलिस वालों से पीछा छुड़ाते कैसे हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं पलिटो की मेन सिटी के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और गाइस यार अब ना मैं इनको एकदम पूरा का पूरा कंफ्यूज करने वाला हूँ, फिलहाल ये वाला गेट मेरे हिसाब से नहीं खुलेगा। तो यार देखो ये वही वाली जगह जहाँ पर मैं एक टाइम पहले और आया था, और अभी गोली मत चला फ्रैंकलिन। तो गाइस आप लोग को याद होगा जब मैंने बुगाटी डीवो जुराई थी तब भी मैं इसी जगह पर आकर रुका था। और गाइस अभी ना फिलहाल हमें दोबारा से पुलिस से बचना है, तो भी मैं दोबारा इसी जगह पर आ गया हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से पुलिस वालों ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया, तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। और अच्छा हुआ कि ना फ्रैंकलिन ने भी गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि पुलिस वाले ना सीधा आगे ही तरफ में भागते हुए गए हैं, उनको लग रहा था कि मैं बाइक पे हूँ बहुत ज्यादा तेज चला रहा हूँ, इसलिए वो सीधे सीधे निकल गए। लेकिन अगर फ्रैंकलिन गोली चला देता ना तो वो सीधा वापस मोड़ कर आ जाते। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ रेंट वाले हाउस पर, तो भी जल्दी से ना इस घर के अंदर चलते हैं। तो चलो यार अभी फिलहाल हम लोग सेफ हैं, और अभी ना लेसर जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं हम लोग कैसे बचने वाले हो, ट्रेवर कहां पर है, कैसे बचा के लाना है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और गाइस यार आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आखिरकार ट्रेवर कहां पर होगा। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 600,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना मेरे से बात करने के लिए, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।